हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आप सब कैसे हो? ठीक हो? ठीक रहना। और आज मैं बना रहा हूँ काफ़ी दिन बाद ब्लॉग, आप सबको पता है। और आज की मेरी ड्रेस देख लो, आप सब अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि मैं कहाँ, मतलब इतनी जल्दी रेडी क्यों हो गया। रेडी तो आपको पता ही नहीं है, टाइम टाइम बता देता हूँ मैं आपको। ये टाइम देख लो भाई, 2:40 हो गए, ठीक है, सुबह के 2:40। और मैं नहा दो सही 2 बजे उठ गया था, 2 बजे नहा धो के रेडी। आज है फ्राइडे, शुक्रवार, और आज अपना प्रोग्राम बन रहा है कहीं दूर जाने का। मैं और मेरी वाइफ जा रहे हैं, ठीक है। ये मेरी मैडम का ब्रीफ केस हो गया और ये मेरा ब्रीफ केस भाई। ये खड़ी अपनी दोनों शक्ति, मतलब एक क्वीन और एक शक्ति, इसको लेके चलेंगे आज। इसको यहीं खड़ी कर देंगे, इससे थोड़े दिन बाद मिलेंगे, ठीक है। ये पापा मम्मी को कहीं पीछे से जाना होगा तो ड्राइवर के साथ चले जाएंगे, काम आ जाएंगे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, स्टेट ऑफ हरियाणा। लो जी गाइज, हम आ चुके अपनी शक्ति में, ठीक है। ये थी अपनी अलकाजार, अपनी शक्ति। आज इसको लेके चलेंगे भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। जय श्री श्याम, जय श्री राधे कृष्ण, भोलेनाथ भगवान जी। हम अच्छे से जाएं और अच्छे से आए अपने बच्चे की, हम मतलब आप अपने बच्चे की रक्षा करना। जय भोलेनाथ, आप अपने बच्चे की रक्षा करना। हम आ रहे हैं आपसे मिलने। और भाई अब ट्रिप वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। ये 0 तो है ही, एक बारी ओके और कर देते हैं इसको। ट्रिप बी को भी 0 कर देते हैं, ठीक है जी। 0 0 एवरेज फिलहाल 8.4 दिखा रही है। हाईवे पे मैं निकाल लूँगा 15 16 15 के आसपास। और टोटल गाड़ी चल चुकी है मेरी 5,134 किलोमीटर। अब देखते हैं कितने किलोमीटर चलती है। पेट्रोल मैंने 3-4 दिन पहले डलवा लिया था, 660 किलोमीटर रेंज दिखा रहे। अब यहाँ से चलते सीधा भोलेनाथ से मिलने, फटाफट उनके दर्शन करने। फिलहाल तो हम उदयपुर जा रहे हैं। और भाई ये अपनी रानी है, भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। अपनी रानी चल चुकी है 1,16,754 किलोमीटर। और सुबह का टाइम देख सकते हो आप, 3:02। फटाफट हम चलते, 4 बजे मुझे निकलना है, ठीक है। ओके शक्ति, वो शक्ति कह रहा ओके रानी क्वीन माई, थोड़े दिन बाद मिल जा आपके, ठीक है। आई लव यू माई रानी, बहुत साथ दे रही है मेरा, ये हमेशा ऐसे ही साथ देगी। भोलेनाथ सबके साथ, जय श्री श्याम। अपनी रुद्रा मैंने यहाँ खड़ी कर ली है, ये अपनी रुद्रा है, काफ़ी दिनों बाद चलाई आज, अब थोड़े दिन यहीं खड़ी रहेगी। आई लव यू। Hi, guys. Have a safe drive, stay alert, and don't forget to wear seat belt. Okay, ma'am. Thank you. अभी थोड़ी देर बाद लगा रहे हैं सीट बेल्ट। गाइज मैंने ना कल सुबह गाड़ी धो दी थी दोनों अपनी, एकदम साफ सुथरी कर रखे। पर बारिश आ गई तो रास्ते में मैली हो जाएगी, बाकी तो धूल मिट्टी में होगी। और कहीं सर्विस स्टेशन मिल गया धोने के लिए 1-2 दिन बाद, तो हम अपनी गाड़ी भी धोवा लेंगे। तो यहाँ से चलते घर अपना, एकदम मैं और मेरी बगल वाली सीट पर मेरी वाइफ, हम घर से दोनों निकलेंगे। और पीछे सामान पूरा लगेज आ जाएगा, मैंने सारी सीट फोल्ड कर दी। अब चलते हैं फटाफट घर को। तो भाई गाइज अब हम चल चुके हैं, मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों जा रहे हैं बाबा भोलेनाथ से मिलने, उनके दर्शन करने। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, वहाँ जाके पता चलेगा, ठीक है। आप सबको बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप बताना स्टोरी के थ्रू, आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पता चलता रहेगा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ, बोलो हर हर महादेव। जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय जय महाकाल। तो गाइस ये आ चुका है KMP पे, वो KMP से तो उतर लिए हम, अब यहाँ से हम चढ़ जाएंगे बॉम्बे एक्सप्रेस सीधा। क्या हुआ भाई? चलो कुछ वार्तालाप कर ले, बातें कर रहे, कुछ पूछ रहे होंगे भाई, पंजाब की गाड़ी है। लो
जी गाइस, हम आ चुके हैं बम्बई एक्सप्रेस, दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस, यहाँ से चल रहे सीधा भोलेनाथ के दर्शन करने। ठीक है, रोड एकदम खाली है। मैं एक्चुअली दूसरे रोड से भी जा सकता था, जम्मू शाहपुरा ये ओके, पर वो रोड ना काफ़ी टूटा फूटा है, तो मैंने बम्बई एक्सप्रेस चुना, यहाँ से चलते हैं। ठीक है, ये देखो बोर्ड अभी आगे आ ही जाएगा, अलवर बम्बई, बम्बई 1204 किलोमीटर, चलो बम्बई चलते 1204 किलोमीटर। गाइज टाइम हो गया है 6:05 है। ठीक है, और दिन निकल गया है, सूरज देर तो अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे, हमें 2.5 घंटे हो गए और 210 किलोमीटर चल चुके हैं अब हम अपनी शक्ति गेरी, हम इसको लेके चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, पीछे से गाड़ी आ रही है, हम जा रहे हैं बॉम्बे एक्सप्रेस से। देख लो भाई, अब हम कोठुन पहुंच चुके हैं। ठीक है, कोठुन से लेफ्ट कट जाएगा रास्ता, आगे बैरिकेड लगा रखे हैं, ये बॉम्बे एक्सप्रेस फिलहाल यहीं तक ही चालू है, आगे बंद है क्योंकि आगे इसका काम चल रहा है। In 600 meters, slight right. टोल नंबर 3 आ चुका है। ठीक है, मैं सारे टोल पे पैसे बताऊंगा कौन से कितने कट रहे हैं, अब देखते हैं यार। लो जी ग्रीन हो गया, चल देते हैं। और हमेशा कभी भी आप जाओ ना टोल पे, चाहे बेशक से आप ब्लॉग बनाते हो या नहीं बनाते हो, वीडियो ऑन करके रखा करो हमेशा कभी भी लाइफ में हर टोल पे, क्योंकि ये बहुत बेईमानी करते हैं, सिर पे चढ़ जाते हैं कभी कभार, पैसे देते नगद, तो इनके भी वीडियो बनानी चाहिए कभी भी टोल पे आप जाओ तो। अब चल रहे हैं, कोई लोकल हाईवे चल रहे हैं गाँव मतलब शहरों के बीच बीच, अब उस पर चल रहे हैं अपन। भाई गाइस, सूरज देवता भी निकल गया है। ठीक है, अब धूप लगेगी थोड़ी थोड़ी, देखते हैं यहाँ पे इस साइड कितनी गर्मी मिलती है। फिलहाल तो हम चल चुके हैं 336 किलोमीटर, 4 घंटे हो गए, 7:30 हो गए, 3:30 चले थे। अरे भाई, जो ये रोड है ना, रोड तो सही है। ठीक है, जाने वाली लाइन अलग, ये जाने वाली लाइन अलग है, वो आने वाली लाइन अलग है। मैं इस रोड से पहले गए थे 2023 में उज्जैन, अब उसी रोड से जा रहा हूँ भोले दूसरे ज्योतिर्लिंग पे भोलेनाथ के दर्शन करने। 3 तो हो गए और अभी करते हैं, देखते 1, 2, 3, 4 जो भी होते हैं भोलेनाथ की दया से, अब उनके दर्शन करते हैं। अब भाई हम यहाँ पे पेट्रोल डलवा रहे हैं, राजस्थान में 105 रुपये लीटर पेट्रोल है, 105.37 रुपये है यहाँ पे पेट्रोल, और अपने यहाँ 94-95 ऐसे कुछ 10-12 रुपये महंगा भी यहाँ तो। 80 किलोमीटर आ रही थी, मैं चल भाई डलवा लेता हूँ आगे कहीं मिले ना मिले, अब तो यहाँ से पेट्रोल डलवाते देखते कितने का आता है। 3800 रुपये का पेट्रोल आ गया है। ठीक है, अब रेंज दिखा रहा 602 किलोमीटर और। ठीक है, हाँ जी, ओके ओके दीदी, हम चल रहे हैं। ओके दीदी, थैंक यू रास्ता बताने के लिए, चलते हैं। अरे बस डट जा, रोड यार इतना खास भी नहीं है और इतना बेकार भी नहीं है। ठीक है, गर्मी तो हो रही है भाई, धूप तो है, सुबह तो मौसम सही था, अब धूप आ गई, आगे जाके देखते कैसा मौसम था। और रोड है मतलब कहीं टूटा फूटा है, कहीं ठीक ठाक है, मतलब ये कुल मिला के ठीक भी है ना भी, मतलब सही है, चलने लायक तो बट ये रात का सफ़र नहीं है, ये भीलवाड़ा होते हुए ना रात का सफ़र नहीं है। झाजपुर आते नाम देखो, झाजपुर है, भीलवाड़ा है, मांडन है, तो ये रास्ते तो हैं पर ये रात के सफ़र लायक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हम 3.5 घंटे पहुँच जाएंगे उदयपुर, फिर देखते हैं उदयपुर रुकते हैं या सीधा अहमदाबाद जाते हैं, देखते हैं। तो आप ऐसे देख सकते हो रोडों पे चल रही है भैंस गाय बकरी, भैंस और गाय ज़्यादा करें यहाँ पे तो, ओ वैसा की वैसा की वैसा की तो चलते हैं फटाफट। गाइस ये बोर्ड लगा है भीलवाड़ा का, यहाँ से अब हम चढ़ जाएंगे भीलवाड़ा के लिए, फिर आएगा नाथ द्वारा था ना नाम, नाथ द्वारा जो शिव जी की मूर्ति है वहाँ पे,
वर्ल्ड की सबसे उच्च शिव जी की मूर्ति है, वो दिखाएंगे आप सबको, हमें दिखी तो रोड से दिख जाती है दूर से वो। गाइज हम इस टाइम चल रहे हैं NH 48, जो अपने दिल्ली से सीधा गुड़गांव, दिल्ली से आ रहे हैं ना जयपुर की तरफ, अब उस पर चल रहे हैं बिल्कुल सीधा सीधा उदयपुर की तरफ चल रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, ज़्यादा स्पीड भी नहीं चल रहे, 80-100 पे चल रहे हैं, रोड खाली है पर हम भगा नहीं रहे, तो आराम से चल रहे हैं, किसी चीज़ की जल्दी नहीं है। रोड ये वाले एकदम साफ सुथरे, एकदम फर्स्ट क्लास, बस बीच में एक पैच था 1 किलोमीटर का जाम था, वो 5 मिनट लगी, अब यहाँ से हम चल रहे हैं उदयपुर। काफ़ी लंबा ट्रिप है अपना ये, धीरे धीरे आप सबको पता चला जाएगा कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ऐसा मंदिर है सांवरिया सेठ का, छोटा मंदिर है, पर हम बाहर से हाथ जोड़ के जय श्री श्याम, जय मेरे श्याम बाबा की जय। 200 meters turn left onto service road, दीदी जी बोल रही है तो हम चल रहे हैं, ठीक है भाई। अभी हम रुके हैं खाना खाने, टाइम हो रहा है 12:15 हो गए, 12:20 हो गए, और हमने अपनी शक्ति खड़ी कर दी टीम के नीचे छाया में, और फिलहाल मैं अभी तक चला चुका हूँ, सुबह 3:30 बजे घर से चला था, 640 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है मेरी, और हम खाना खाने रुके हैं होटल सांवरिया, टेस्टी है कैसा खाना है, ठीक है अंदर जाके देख। भाई हमने खाना तो बोल दिया है, ऑर्डर कर दिया दाल मखनी, मैं सोचा यहाँ पे तंदूरी बटर रोटी मिल जाएगी, वो है नहीं, तो तवा रोटी मंगवा रहे हैं, अब भूख लग रही थी, मैं चल भाई आगे कहाँ जाएंगे यहीं खा लेते हैं टेस्ट देखते हैं, इसलिए थोड़ा मंगवाया, अच्छा लगा तो और कुछ मंगा लेंगे, वरना यहाँ खा के सीधा अपने अहमदाबाद। उदयपुर सोच रहे थे रुकने की, पर उदयपुर तो मैं यार क्या करेंगे यहाँ रुक के, अभी तो पूरा आधा दिन बच रहा है, तो शाम के 5-6 बजे तक अहमदाबाद पहुँच जाएंगे, अहमदाबाद रुक के वहाँ पर नाइट स्टे करके फिर नेक्स्ट दिन देखेंगे चलेंगे आगे। सामने का व्यू तो मस्त आ रहा है यार, रोड भी मस्त है, व्यू भी मस्त है, और जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह भी मस्त है, सभी मस्त मस्त, भोलेनाथ की दया से मस्त। भोलेनाथ मैंने ढक रखे हैं क्योंकि भाई धूप हो रही है, तो इनके ऊपर धूप पड़ रही है इस वजह से। त्रिशूल देखो भाई कितना अच्छा बना हुआ है, हर हर महादेव, पब्लिक चढ़ी हुई ऊपर, कितने ऊपर, सामने का व्यू ऐसा लग रहा है जैसे मनाली शिमला के पहाड़ हो ना, लेकिन यहाँ पे ग्रीनी ग्रीनी ज्यादा है, वहाँ पे ग्रीनी इतने होते नहीं है, मस्त व्यू आ रहा है एक नंबर का। दोनों तरफ पहाड़ है, जो एक पहाड़ था काट के रास्ता बना रखा है, देख लो काट के रास्ता बनाया है, अब टोल आ गया, भुगतान करते कितने का है, टोटल पैसे भी देखो फास्टैग कितने खर्च होएंगे। गाइस ये रोड तो भाई एक नंबर का मस्त है, यहाँ से क्या नाम है उदयपुर से गुजरात के लिए भाई साहब, जब जो अरे रुक जा यार मेरी ताई डट जा, उदयपुर से जो अहमदाबाद के लिए रास्ता है ना भाई साहब आलीशान, पहाड़ों की वादियों में से एकदम पहाड़ों के बीच में से बढ़िया व्यू, अच्छा बहुत बढ़िया रोड है, चल रहे हैं यहाँ से आराम आराम से 5:30-6 बजे तक अहमदाबाद पहुँच जाएंगे अपन। मेरा एक फ्रेंड है उससे मिलते हैं, अगर वो मिला तो, वरना अपन किसी होटल में स्टे करके नेक्स्ट डे भोलेनाथ से मिलने निकल लेंगे। सीधी आ रही है कहाँ, क्या पता नहीं, शेरावाली माता का झंडा लेके कहाँ जा रही है इस साइड, काफी भीड़ है भाई साहब, सारे बाइक पे है, कम से कम 50-60 बाइक है कम से कम, तो नवरात्रि आ रही है लेकिन जा कहाँ रहे हैं इतने भीड़, देवी गार्डन के साथ ही लग रही है मुझे तो, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। गाइज हम कर चुके हैं गुजरात में एंट्री स्टैम, ठीक है अहमदाबाद, हाँ जी आप बोलिए पहले, अहमदाबाद यहाँ से रह गया है 1.5-2 घंटे का रास्ता रह गया है, 140 किलोमीटर के लगभग रह रहा है अहमदाबाद, ठीक है अब यहाँ से अहमदाबाद पहुँच के वहाँ कोई होटल वगैरह लेके रूम अपने वहाँ पे सोएंगे, फिर नेक्स्ट डे निकलते हैं। भाई वो शिव जी देखो क्या शिव जी लग रहे हैं, भोलेनाथ सबके साथ गुजरात में एंट्री करते ही शिव जी के दर्शन हो गए, जय भोलेनाथ। तो भाई यहाँ बारिश नहीं है, और सामने रोड पे देखो गिल्ला है, ये बारिश चालू होगी, भगवान की माया, कहीं धूप कहीं छाया, गुजरात में एंट्री करते ही 5 मिनट बाद बारिश, इंद्र देवता ने दर्शन दे दिए, अब यहाँ पे मौसम देखते हैं, मस्त होना चाहिए यहाँ ताकि हम आराम से घूम लें, ज़्यादा बारिश भी नहीं, नॉर्मल नॉर्मल मौसम,
गाइज इस टाइम हम हैं अहमदाबाद गुजरात में, और अब हम राजकोट वाला हाईवे पे चढ़ जाएंगे, तो मेन रोड पे देख लेंगे कोई होटल वगैरह नाइट स्टे करके, फिर सुबह चलेंगे अपने भोलेनाथ के दर्शन करने। काफ़ी मतलब थोड़ी सी दूर है यहाँ से, लग जाएंगे लेकिन टाइम तो सुबह भी लगेगा 8-1 घंटे। और आज की ड्राइविंग चलो बाद में दिखाऊंगा टोटल कितनी करी है, टाइम तो फिलहाल 4:45 हो गए, और हम ले रहे हैं भुट्टा मक्का मतलब स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न पता नहीं कैसी मक्का दी रही, चीज़ बर्ग का कैसी मक्का, तो उनसे मक्का ले रहे हैं, फेमस बहुत है यहाँ पर दुनिया भर की, वो ले गए रेडी रेडी पीछे भी भाई। अब चलते हैं ये खा के, फिर थक तो गए थोड़े बहुत ड्राइविंग कर करके, अब बताऊंगा कितने किलोमीटर चला ली एक दिन में मैंने। ये ऐसी मक्का है भी, खा के देखते हैं मिक्की मिक्को मिट्टी है फिक्की, एक ऐसी मक्का है भुट्टा खा तो रहे, पर अंटीजी ने मिर्च बहुत तेज डाल दी, एकदम लाल लाल कर दिए, मिर्च डाल दी चटपटे बना दिए, 50 रुपये का दिए एक डोंगा भर के, बढ़िया दिया वैसे तो। गाइस अहमदाबाद में लग रहा है जाम, दिल्ली वाला जो दिल्ली में मुझे मिलता है वो आज यहाँ भी मुझे मिल गया अहमदाबाद में। गाइस ये बगल में क्या फिल्म बन रही है, इतना तगड़ा जाम, 1 किलोमीटर तो पीछे छोड़ी है मैं भाई साहब, ये तो शुक्र है भगवान का हमारी जाने वाली लाइन चल रही है, अगर हम इस लाइन में हो बाई चांस तो भाई कसम से सब कुछ याद आ जावे। कितना लंबा ऊपर तक पुल के ऊपर भाई, यो ना ये तो 4-5 घंटे का लंबा जाम है भाई, ये तो यो जाम ना खुला आज, शुक्र आज तक तो हमारा ये रास्ता ना है, वरना बहुत तगड़े वाले फंस जाए। गाइस हम फिलहाल हैं राजकोट से पीछे, और भाई अहमदाबाद हमने पार करके बीच रास्ते में होटल दिखा तो हम वहीं रुक गए, अभी होटल का नाम वगैरह नीचे सारी चीज़ जाके दिखाता हूँ, क्योंकि सीधा हम ऊपर कमरे में आ गए लेके, ठीक है। कमरा मिल गया मुझे 2000 का बोल रहा था, 1400 में करवा लिया, 1400 में डन करा है, एसी भी है, फुल एसी है, पंखा लाइट वगैरह सारी चीज़ है, ठीक है। और बाहर का व्यू आपको, बाहर का व्यू तो ये, ओहो लाइट पड़ गई, तो भाई बाहर का व्यू तो ओह अच्छा ये भी खुलती है भाई, बाहर का व्यू तो ऐसा कुछ है, ठीक है। वो सामने टोल है और मेरी शक्ति सर खड़ी है, अगर दिख जाए तो आप सबको, वो खड़ी ना दिख रही उसके इस सर खड़ी है, तो मैं उसको मिलना के लिए तो मुझे अपने कमरे से दिखती जाए, हवा तो मस्त चल रही है भाई यहाँ से, ठीक है। अब खाना पीना खाने जा रहे हैं हम नीचे, फिर आगे निन्नी करेंगे। होटल है इसकी जो गैलरी है, होटल तो सही है ऊपर से तो बढ़िया बना रखा है, अब इसका खाना टेस्ट करके देखते हैं अच्छा है कैसा है, ठीक है। मम्मी भी बोली, सब बोले कि यहाँ मीठा मीठा खाना मिलता है, देखते हैं कैसा खाना मिलता है। गाइस ये खड़ी अपनी शक्ति, ठीक है, यहाँ पे खड़ी कर दी, अब इसको थोड़ा उस साइड कर दूँगा ताकि मुझे वहाँ से दिख जाए। और होटल का ये रहा राजदेव रेस्टोरेंट एंड रूम्स, ठीक है, ये होटल है भाई टोल के पास, राजकोट टोल के पास है, पूरा लंबा चौड़ा होटल है, कितनी गाड़ी खड़ी करो, और वेज है। इस मेन्यू में क्या बोलो कुछ समझ में ना आ रहा, एक तो गुजराती में लिखा है, अरे कि नई नई सब्जी है सारी, सारी नई नई सब्जी है भाई जो आज तक खाई ना है अहमदाबाद गुजरात, देखते हैं क्या खाते हैं इसमें से। चलो गाइस जब हम सोते हैं, टाइम ऑलमोस्ट 7:30 के आसपास हो गए, अब आ रही है भयंकर दिन, खाना खाए, खाना तो चलता हुआ खाए बस ऐसे ही, बिल्कुल टेस्टी नहीं, पता नहीं यार कैसे सब्जी बनाते हैं, पराठे भी कच्चे, स्वाद नहीं आए, ठीक है।
मज़े तो नहीं आए बट क्या पेट भरना है। तो अब यहाँ से अब सोते हैं, गुड नाइट आप सबको इधर से, और मैं अपनी शक्ति दिखा देता हूँ। वो देखो तो खाना खाया है, अब सोते हैं। आप सबको आज का दिन यही एंड कर दिया। मैं घर से चला था सुबह 3:30 बजे और हम पहुंच गए यहाँ पे अहमदाबाद से 70-80 किलोमीटर आगे, ठीक है 1000 किलोमीटर, 1010-15 किलोमीटर चला ली गाड़ी। बाकी सुबह बता दूंगा मैं एक्यूरेट 1010-15 किलोमीटर। आज मैंने लाइफ में अपनी फर्स्ट टाइम कंटिन्यू 1010-15 किलोमीटर गाड़ी चलाई है अपनी, देख लो भाई, ठीक है। और अभी 1-2-3 हज़ार 4 किलोमीटर चलाएंगे। तो चलते हैं, चलते कहाँ हैं, सोने चलते हैं, ठीक है। आप सबको मेरी तरफ से बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ध्यान रखना, मस्त रहना, खुश रहना, बाय बाय।